नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू वी यू स्पोर्ट। इंडिया विमेन और बांग्लादेश विमेन का है फर्स्ट ओडीआई मैच आफ्टर द T20 सीरीज विच इंडिया 1-2-1। नाउ वी मूव ऑन टू द ओडीआई सीरीज। इसमें भी 3 मैचेस खेले जाएंगे। ये जो मैच है ये 6th हेड टू हेड मैच होगा दोनों टीम्स के बीच में, एंड पिछले 5 ही मैचेस इंडिया ने जीते हैं। इंडिया फर्स्ट टाइम ओडीआई मैच खेलेगी इस साल, इससे पहले सितंबर में खेली थी इंग्लैंड के अगेंस्ट। वेन्यू की बात करें तो ये गेम भी खेला जाएगा शेरे बांगला नेशनल स्टेडियम ढाका में, जहाँ पे 3 T20s खेले गए थे। इस स्टेडियम में लास्ट जो विमेंस ओडीआई मैच हुआ था वो सितंबर 2012 में हुआ था दोस्तों, तो स्टैट्स इतने रेलेवेंट नहीं रह जाते हैं। अगर मैं आपको T20s जो अभी सीरीज हुई है उसके बारे में कुछ बताऊं तो उसमें स्पिनर्स ने काफ़ी डोमिनेट किया था, काफ़ी लो स्कोरिंग मैचेस रहे थे। 36 में से 33 विकेट्स निकाली थी स्पिनर्स ने, तो हमें फर्स्ट गेम के बाद ही थोड़ा सा आइडिया होगा कि कंडीशंस कैसी हैं। तो आप टॉस के टाइम पे एक बार पिच रिपोर्ट देखना मत भूलिएगा। बात करें स्क्वाड्स की दोस्तों, तो पहले देख लेते हैं बांग्लादेश का स्क्वाड। तो अगर आप T20 स्क्वाड और ODI स्क्वाड में देखोगे तो इसमें फरगाना होक, शर्मिन अख्तर और लता मोंडल आपको स्क्वाड में दिखेंगी ODI के, जो कि T20 स्क्वाड में नहीं थी। एंड सती रानी और दिलहारा अख्तर बाहर हो चुकी हैं ODI स्क्वाड से, जो कि T20 स्क्वाड में अवेलेबल थी। तो अगर आप यहाँ स्क्वाड में देखोगे तो शोभना मुस्तारी मेंशन है स्क्वाड में, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंजरी से ठीक हो गई होंगी। लास्ट जो T20s नहीं खेलते हुए दिखे थी इंजर हो गई थी और उनकी जगह ली थी मुर्शिदा खातून ने, बट नाउ दैट शी इज मेंशन्ड इन द स्क्वाड तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ODIs में खेलती हुई दिखेंगी। बात करें इंडिया के स्क्वाड की, तो इंडिया के स्क्वाड में एडिशन जो हुआ है वो है प्रिया पुनिया का और स्नेह राणा का, और मेघना और मिन्नू मनी आपको इस स्क्वाड में नहीं दिखेंगी जो कि T20s के स्क्वाड में थी। अब चलेंगे दोस्तों टॉप परफॉर्मर्स वेन्यू पे। तो पहले बात कर लेते हैं सलमा खातून की। इन्होंने 3 गेम्स खेले हैं इस वेन्यू पे, 5 विकेट्स निकाली हैं, बट सलमा खातून हमें पिछले दोनों ही T20s में खेलते हुए नहीं दिखी थी, एंड इस गेम में भी प्रोबेबल प्लेइंग 11 में उनकी जगह बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि या तो फाहिमा खातून को या फिर सुल्ताना खातून में से किसी को ड्रॉप करना पड़ेगा, एंड दोनों ने ही काफी बेहतरीन परफॉर्म किया T20s में, तो सलमा खातून की जगह बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। जो दूसरे टॉप परफॉर्मर वेन्यू पे है वो है बांग्लादेशी ऑलराउंडर लता मोंडल, जो कि 3 इनिंग्स में 84 रन बना चुकी है 28 की एवरेज से। अब चलेंगे दोस्तों टॉप परफॉर्मर्स हेड टू हेड की तरफ। तो यहाँ पे पहला नाम रहेगा इंडिया की कैप्टन और ऑलराउंडर हरमनप्रीत कौर का। 4 इनिंग्स में बना चुकी है 209 रन्स 70 की एवरेज से और निकाल चुकी हैं 2 विकेट्स। अगली आएंगी सलमा खातून, जो कि 5 इनिंग्स में 178 रन्स बना चुकी हैं और 4 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। और लास्ट टॉप परफॉर्मर हेड टू हेड में रहेंगी लता मोंडल, जो कि 4 इनिंग्स में 97 रन्स बना चुकी हैं और 2 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। अब चलेंगे दोस्तों टॉप पिक्स और डिफरेंशियल पिक्स की तरफ सेक्शन वाइज। तो पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन की। तो यहाँ पे हमारी पहली टॉपिक रहेगी बांग्लादेश की कैप्टन निगर सुल्ताना। बांग्लादेश के लिए टॉप स्कोरर थी अपने लास्ट ODI मैच में, 37 रन बनाए थे। बांग्लादेश के लिए लीडिंग रन गेटर भी हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर ODIs में, 10 इनिंग्स में बना चुकी हैं 272 रन। एंड अगर मैं बात करूँ जो भी रिसेंटली T20 सीरीज हुआ था इंडिया के अगेंस्ट, उसमें बांग्लादेश में से 2 बैटर्स में से ये एक बैटर थी जिन्होंने 50 से ऊपर रन बनाए हैं, तो अच्छी फॉर्म में भी काफ़ी चल रही हैं। बात करें दूसरी टॉपिक की विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो यहाँ हम रेकमेंड करेंगे इंडिया से यस्तिका भाटिया को। आइडियली ODIs में नंबर 3 पर बैटिंग करनी चाहिए, बट यहाँ पे बैटिंग नंबर 5 पर करते हुए दिखेंगी मोस्टली। पिछले हेड टू हेड गेम में ये 50 रन बनाकर आ रही हैं, एंड अगर आप इनके लास्ट 8 ODIs में से देखोगे तो उसमें से 3 में ये हाफ सेंचुरी भी बना चुकी हैं। एंड टोटल जो इनका एग्रीगेट है लास्ट 8 ODIs का, उसमें इन्होंने 218 रन बनाए हैं 27 की एवरेज से। बात करें बैटर सेक्शन की, तो यहाँ पे हमारी पहली टॉपिक रहेगी स्मृति मंदाना। अच्छा नॉक खेल कर आ रही है, लास्ट टाइम जब इंडिया ODIs खेली थी इन्होंने बनाए थे 50 रन, सेकेंड हाइएस्ट रन गेटर है लास्ट ईयर, 15 इनिंग्स में बना चुकी हैं 696 रन 50 की एवरेज से। अगर आप इनके पिछले 7 ODIs देखोगे तो अनस्टॉपेबल रही हैं बैट के साथ, 59 की एवरेज से रन बनाए हैं इन्होंने 356, एंड लास्ट 7 ODIs में से 4 बारी ये हाफ सेंचुरी का मार्क क्रॉस कर चुकी हैं। T20 सीरीज में भले ही ये फॉर्म में इतना नहीं दिखी थी, बट ODIs में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वापस अपने एक गेम खेलते हुए दिखेंगे। अगली टॉपिक रहेगी बैटर सेक्शन में हरमनप्रीत कौर। ODIs में बैटर सेक्शन में लिस्टेड हैं और T20s में ऑलराउंडर्स में लिस्टेड थी, ये याद रखिएगा। लीडिंग रन गेटर थी ये T20 इंटरनेशनल सीरीज की जो भी हुआ बांग्लादेश के साथ, 94 रन बनाए इन्होंने 47 की एवरेज से। इंडिया के लिए लीडिंग रन गेटर थी लास्ट ईयर भी, जहाँ पे इन्होंने 58 की एवरेज से बनाए थे 754 रन। आप इनके अगर लास्ट 11 ODIs देखोगे तो उसमें 8 में से ये
40 या 40 से ऊपर के रन्स बना चुकी हैं एंड लीडिंग रन गेटर हैं, हेड टू हेड गेम्स में भी 209 रन्स बना चुकी हैं, बेहतरीन फॉर्म में चल रही हैं, नो ब्रेनर पिक फॉर योर टीम। डिफरेंशियल पिक की बैटर सेक्शन में बात करें तो यहाँ हम रेकमेंड करेंगे बांग्लादेश से फरगाना होक को, नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए दिखेंगी। बांग्लादेश के लिए सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर, 10 इनिंग्स में बना चुकी हैं 218 रन्स एंड इस वेन्यू पे आज तक केवल दो बांग्लादेशी बैटर्स ने ही 50 मारा है एंड उनमें से एक है फरगाना होक। अब चलेंगे दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ, तो पहले यहाँ आ जाती है इंडिया की शेफाली वर्मा, यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में लिस्टेड है, T20s में बैटर सेक्शन में लिस्टेड थी। अगर आप इनके लास्ट 8 ODIs देखोगे तो उसमें इन्होंने बनाए हैं 37 की एवरेज से 259 रन्स, काफ़ी इम्प्रेसिव थी बॉल के साथ अभी T20 सीरीज में भी एंड डिसेंट अमाउंट ऑफ ओवर्स डालते हुए दिखेंगी ODIs में भी हमें। जो अगली टॉपिक रही ऑलराउंडर सेक्शन में वो है दीप्ति शर्मा, इंडिया के लिए सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थी लास्ट ईयर, 16 इनिंग्स में निकाली थी 22 विकेट, स्ट्राइक रेट था 34 का। अपने पिछले 6 ODIs में से ये एक बार भी विकेटलेस नहीं गई हैं और निकाल चुकी हैं 10 विकेट्स, एवरेज था केवल 19.9 का। इनका रोल अगर हम बैटिंग से बात करें तो इनका रोल थोड़ा सा बढ़ जाता है ODI फॉर्मेट में, क्योंकि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि ये मिडिल ऑर्डर में आए और टीम को एक अच्छा स्कोर दिला सकें। जो लास्ट टॉपिक रहेगी ऑलराउंडर सेक्शन में वो है इंडिया की स्नेह राणा, जो कि ODI स्क्वाड में लिस्टेड है एंड मोस्टली खेलते हुए भी दिखेंगी, मोस्टली मिन्नू मनी की जगह लेंगी स्नेह राणा। जो पिछला इनका हेड टू हेड गेम था उसमें करियर बेस्ट फिगर्स आया था इनका, 4/4 निकाला था इन्होंने, पिछले साल भी काफ़ी अच्छा किया इन्होंने बॉलिंग के साथ, 11 इनिंग्स में निकाली थी 14 विकेट्स एंड बात करें इनके पिछले 6 ODIs की तो उसमें निकाल चुकी हैं 9 विकेट्स, एवरेज है केवल 25 का। ऑल्सो बैटिंग के साथ लास्ट ईयर अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट किया था इन्होंने, 121 रन बनाकर आ रही हैं अराउंड 20 की एवरेज से। डिफरेंशियल पिक की बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में तो यहाँ पर हमारी दो रिकमेंडेशन रहेंगी, पहली है इंडिया की देविका वैद्या, लास्ट T20 खेलते हुए दिखी थी एंड काफ़ी इम्प्रेसिव थी, 2 विकेट्स भी निकाले थे उन्होंने, बट ODI में इनका ये पहला अपीयरेंस होगा 2018 के बाद से, तो देखना होगा कैसा परफॉर्म करती हैं, बट शी कैन बी अ गुड डिफरेंशियल पिक फॉर योर टीम। जो दूसरी डिफरेंशियल पिक यहाँ पे रहेगी वो है बांग्लादेश से रबाया खान, बांग्लादेश के लिए सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थी अभी T20 सीरीज में, 4 विकेट्स निकाली इन्होंने, इन्होंने अपना ODI डेब्यू दिसंबर में किया था एंड उसके बाद से ये अब खेलते हुए दिखेंगी ODIs में। जो लास्ट T20 था उसमें बेस्ट बॉलिंग फिगर्स था इनका, 3/4 निकाल कर आ रही हैं, तो यहाँ पे भी एक अच्छी पिक साबित हो सकती है। अब चलेंगे दोस्तों बॉलिंग सेक्शन की तरफ, तो यहाँ पे पहली टॉपिक रहेगी हमारी बांग्लादेश की ऑफ स्पिनर सुल्तना खातून, कहर मचा कर आ रही है T20 सीरीज में, लीडिंग विकेट टेकर थी वहाँ पे, 7 विकेट्स निकाले इन्होंने, एवरेज था एज लो एज 9 का। हमने देखा कि इंडियन बैटर्स को काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रहा था इनके अगेंस्ट खेलने में T20 सीरीज़ में, तो यहाँ पे भी ये काफ़ी अच्छा थ्रेट साबित हो सकती है इंडियन बैटर्स के लिए एंड इन्होंने अपना ODI डेब्यू इसी साल अप्रैल में किया था एंड उन दोनों ही इनिंग्स में एक एक विकेट निकाली थी। जो अगली टॉपिक बॉलर सेक्शन में रहेगी वो है बांग्लादेश की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर नाहिदा अख्तर, बांग्लादेश के लिए लीडिंग विकेट टेकर थी पिछले ODI में, 4 विकेट्स निकाली थी इन्होंने, जो अभी मई में ही हुआ था श्रीलंका के अगेंस्ट। अगर इनका पिछला हेड टू हेड मीटिंग की बात करें तो ये उसमें भी 2 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं एंड 9 विकेट्स निकाल चुकी हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर अभी तक। बात करें दोस्तों सेफ कैप्टनसी पिक्स की, तो यहाँ पे हमारी रिकमेंडेशन रहेगी इंडिया की दोनों ही ऑलराउंडर्स दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक में हम रेकमेंड करेंगे सुल्तना खातून को बांग्लादेश से और हरमनप्रीत कौर को इंडिया से। बात कर लेते हैं बेस टीम की, तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में आ जाती है निगर सुल्ताना और जस्तिका भाटिया, बैटिंग सेक्शन में स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर, ऑलराउंडर सेक्शन में शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा, और बॉलिंग सेक्शन में सुल्तना खातून और नाहिदा अख्तर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू, आप फटाफट से व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड कर लो क्योंकि उस पे MLC के सारे प्रीव्यूज़ मिलेंगे आपको, इंक्लूडिंग द फैंटेसी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अदर गेम्स। मैं जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, थैंक यू सो मच।